फ्रेंड्स कैसे हो आप लोग। उम्मीद कर रहा हूँ बहुत अच्छे से होंगे। आज आप लोगों को दिखाने वाला हूँ विंडो एसी, जो उसमें गैस डालने से पहले क्या क्या ज़रूरी होता है और कैसे आसान तरीके से हम उसको पता कर सकते हैं कि इसमें गैस लीकेज है। और एक बंदा फंसा हुआ है, वो मुझसे पूछना चाहता है कि इसका गैस चार्जिंग कैसे होगा, गेज कैसे लगेगा और प्रेशर डालने से पहले क्या इसमें जो गैस होता है वो उड़ाना चाहिए या नहीं चाहिए। तो ये सब वीडियो हम आपको दिखाएंगे, बने रहे मेरे वीडियो के साथ में, फिर मिलेंगे। क्या दिक्कत आ रही है इसी में? पूछना था ना, जैसे क्या दिक्कत आ रही है? गैस नहीं है? हाँ, इसमें गैस है लेकिन लीकेज है। लीकेज है? कंडेंसर कॉइल यहाँ से पूरा लीकेज है। अच्छा, तो कहाँ से लीकेज है दिखाना? यहाँ से। अच्छा, ये जो ऑयल आया हुआ है ना। हाँ, तो मैं ये बता रहा था, ये जो ऑयल आया हुआ है तो इसमें गैस लीकेज है, ठीक है। ऑयल आया हुआ ना, और ये अंदर भी देख रहे हो, ये जो गीला हुआ है ना, ये ऑयल से ही जो गैस निकलता है साथ में। देखो बता देता हूँ तुम्हें, ठीक है, समझना ध्यान से। जब भी एसी को चेक करो, कूलिंग नहीं कर रहा है, तो सबसे पहले ये चेक कर लो कि जितना भी कूलिंग कॉइल है या कंडेंसर कॉइल है, जैसे ये पीछे वाला जो होता है बैक हिस्सा, ये देखिए वोल्टास कंपनी का है, तो ये जो जितने भी यू होते हैं ना, तो यहाँ पे ऑयल तो नहीं आ रहा, या फिर ये जो कंडेंसर कॉइल है कहीं बीच से ऑयल तो नहीं आ रहा, ठीक है, या इधर से तो नहीं आ रहा। तो आप लोग देख सकते हैं, देख यहाँ पे जो है ना ऑयल दिख रहा है, ठीक है। तो समझ लो कि यहीं से लीकेज है, ये जो ऑयल आ रही है, क्योंकि गैस के साथ में जो कंप्रेसर में ऑयल होता है वो भी निकलना चालू हो जाता है, ठीक है। ये देखो इतना ज़्यादा लीकेज हुआ है कि इधर भी ऑयल फैल के आ गया हुआ है बॉडी पे इसके, ठीक है। और कुछ? हाँ, अभी हम लोग इसका प्रेशर पूरा निकालेंगे। अच्छा, तो आप ये जानना चाहते हैं कि जैसे इसमें प्रेशर जो है उसे लीकेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कि इसको उड़ा के दोबारा प्रेशर डालें, है ना? हाँ। राइट, तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि सबसे पहले ये भी चेक कर लें आप कि इसका जो कूलिंग कॉइल है वो बचा हुआ है कि नहीं। तो लग रहा है कि इसका कूलिंग कॉइल जो है ये बचा हुआ है, और इधर से भी चेक कर लेते हैं हम, इधर से भी ठीक लग रहा है, ठीक है। तो इसको एक काम करो, ये जो इसमें प्रेशर कितना बचा हुआ है? अच्छा, 75 है, ठीक है, 75 प्रेशर बचा हुआ है, तो प्रेशर को उड़ा दो। हाँ, अच्छा, हाँ। अब एक चीज़ और, कुछ लोग जो नए होते हैं ना, तो उनको बता देता हूँ, जैसे ये गेज देख रहे हैं आप, गेज मैनिफोल्ड देख रहे हैं, तो ये देखिए, बहुत ध्यान से समझिएगा, ये जो हिस्सा है जहाँ से हम बंद और चालू करते हैं गैस, ठीक है, तो इसके नीचे का जो हिस्सा होता है ना, ये देखिए, ये जो चार्जिंग लाइन है ये लगेगा आपके एसी में, जहाँ पे भी पिन वाल वगैरह लगा होगा वहाँ पे इसको लगाया जाता है, ठीक है। और जो दूसरा वाला हिस्सा है, जो वो सीधा को निकलेगा, ठीक है, ये लगेगा, जैसे मुझे नाइट्रोजन होल्ड करना है, या कंप्रेसर से प्रेशर डालना है, या कोई भी जरिए से आप गैस डाल रहे हैं, तो जहाँ जो चीज़ में हम इसको यूज कर रहे हैं, जैसे नाइट्रोजन में यूज कर रहे हैं, या गैस में यूज कर रहे हैं, या प्रेशर में यूज कर रहे हैं, तो वो चीज़ यहाँ लगेगा। ये देखिए, ये जो है ना चार्जिंग लाइन, ये यहाँ लगेगा। कोई भी चीज़ एक हमें यूज करना है तो उसको हम यहाँ, मान लीजिए मुझे गैस डालना है, ठीक है ना, इसको हम गैस के सिलेंडर में लगाएंगे। कौन सा हिस्सा? जो गेज के जस्ट ऊपर से जा रहा है, जो नीचे से आ रहा है ना, जो राइट से निकल रहा है वो जाएगा कंप्रेसर सिलेंडर वाले हिस्से में, और जो डाउन के नीचे हिस्से से निकल रहा है, मतलब डाउन जो नीचे का हिस्सा है, वो जाएगा एसी में, ठीक है। स्प्लिट एसी हो या विंडो एसी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दिख रहा है आपको, समझ गए। तो अब हम जानना ये चाहते हो कि इसको निकालें या ना निकालें, है ना, ये जो प्रेशर इसमें ऑलरेडी R22 का रेफ्रिजरेट इसमें है, तो इसको निकाला जाए या ना जाए। अगर इसको नहीं निकालेंगे तो क्या नुकसान है, अगर निकाल देंगे तो क्या फ़ायदा है, मैं वो चीज़ बताने वाला हूँ। अगर आप इसको निकाल के दोबारा प्रेशर डालोगे तो क्या होगा कि जो एक्चुअल में जो आप प्रेशर डालोगे उससे आपको लीकेज मिल जाएगा, लेकिन ये जो R22 इसके अंदर गैस है, अगर आपको होल्ड करना पड़ गया तो ये गैस का जो प्रेशर है वो बढ़ सकता है या घट सकता है,
समझ गए, मतलब कि अगर गर्मी बढ़ गया तो प्रेशर बढ़ सकता है, या ठंडी हो गया तो प्रेशर डाउन हो सकता है। अगर निकाल दोगे तो एक्यूरेट जो नाइट्रोजन का प्रेशर है वो घटता बढ़ता नहीं है, सर्दी हो या गर्मी हो, तो उससे आपको ये पता चल जाएगा कि हमारा जो प्रेशर है जितना डाले थे उतना है। कन्फ्यूज नहीं होगा कि भाई हो सकता है कहीं हम कूलिंग कॉइल पानी में डाले हैं, कंडेंसर कॉइल, तो हो सकता है उसकी वजह से घट गया होगा। लेकिन आप लोग नाइट्रोजन अगर डालेंगे तो क्या होगा कि उसको बर्फ़ में डाल दीजिए, गर्मी में छोड़ दीजिए, वो एक्यूरेट प्रेशर होता है वो डाउन नहीं होगा। तो इसीलिए कहता हूँ कि ज़्यादा फायदा है कि आप लोग नाइट्रोजन यूज किया करें, और इस प्रेशर को जो भी प्रेशर रहे इसको निकाल दिया करें। कोशिश ये करें कि वैक्यूम भी कर लिया करें फिर प्रेशर डालें, ज़्यादा बेटर है, ठीक है। ये मतलब ज़्यादा बारीकी से अगर आप लोग कोई काम करना है, ये देखिए प्रेशर निकाल रहे हैं आप, प्रेशर निकाल रहे हैं, ये भी देख लीजिए, ये हमने पकड़ लिया है यहाँ पे, यहाँ दिखा रहा हूँ, ये प्रेशर निकाल, ठीक है। तो फिर मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ में, किसी और चीज़ के साथ में, ठीक है, ठीक है जय, हो गया तेरा, समझ गया ना, ओके। तो आप लोग यही बताएं कि ये वीडियो कैसा लगा, ये जानकारी कैसा लगा, प्रेशर डालने से पहले गैस क्यों उड़ाया जाता है, और टांका लगाने से पहले भी प्रेशर क्यों उड़ाया जाता है। अगर ये सब वीडियो जानने के लिए आपको ज़रूरी है तो मेरा जो चैनल है उसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ में, किसी और नए चीज़ के साथ में, फिर मिलेंगे, ओके बाय बाय।